नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप न्यूज़ में। मेरा नाम है सुनील यादव। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिंग वेब मास्टर की। जब भी हम बिंग वेब मास्टर के बारे में हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, अपनी वेबसाइट को उसके अंदर वेरीफाई कराना होता है। तो आपकी जो भी वेबसाइट है .com.in, तो वो वेबसाइट को आप इसके अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हमें वेरीफाई कराना होता है। उसके बाद में हम किस तरीके से अपने डाटाज को एनालाइज कर सकते हैं बिंग वेब मास्टर के थ्रू, किस तरीके से हमें वेबसाइट्स के जो हम एसईओ करेंगे वो हमें किस तरीके से हेल्प करेगा, तो वो सारे टूल्स जो इसके अंदर होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा जो मैं अगली वीडियोज बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वो अपलोड करता हूँ, वो भी आप वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हर वीडियो की। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिएगा और समझ जाएंगे आपको बिंग वेब मास्टर के अंदर कैसे आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कराना है। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं किस तरीके से हम बिंग पे अपनी वेबसाइट को क्रॉल करा सकते हैं बिंग वेब मास्टर के द्वारा या बिंग सर्च कंसोल के थ्रू। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को क्रॉल करा सकते हैं बिंग के अंदर। बिंग एक गूगल की तरह सर्च इंजन है, तो सेकंड जो सर्च करने के लिए लोग यूज़ करते हैं ऑनलाइन, तो वो गूगल के बाद बिंग को ही करते हैं। तो इसलिए बिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अपनी साइट को जल्दी से रैंक भी करा सकते हैं, एसईओ करते हैं तो हम बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक करा के टॉप पेजेस पे ला सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है बिंग वेब मास्टर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बिंग का जो होम पेज है, मतलब उसका लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप आ जाते हैं बिंग के जो इंटरफेस वाला पेज है उस पर। अगर आपके सामने ये वाला पेज ओपन नहीं होता है तो आपके सामने लॉगिन के लिए बोलेगा। तो आप अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने अपनी जीमेल से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे ये बोल रहा है जो भी साइट आपको क्रॉल करवानी है, ये सबमिट करानी है, उसका यहाँ पे आप URL डालिए। तो हम यहाँ पे मैं URL डाल देता हूँ अपनी साइट का। मैंने अपनी साइट को यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, कंट्रोल सी करा मैंने। ठीक है, कंट्रोल सी करके मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया उसका लिंक और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऐड पे। जैसे यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगते हैं आपसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे व्हेन डू यू रिसीव द मोस्ट ट्रैफिक, मतलब ज़्यादा मैं ट्रैफिक कब रिसीव करता हूँ, मैं अपना कर देता हूँ इवनिंग में। यहाँ पे मेरे को नाम डालना है अपना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने नाम और ईमेल एड्रेस भी डाल दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर देता हूँ, दूसरा डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जॉब का रोल डाल दो, यहाँ पे मैं एडमिन डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे उसको पूछा कि कंपनी का नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्कूल। यहाँ पे साइज डाल देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 40 स्टाफ है मेरे पास। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे से पूछा इंडस्ट्री कौन सी है, तो यहाँ पे मैं इंडस्ट्री में यहाँ पे डाल दूंगा एजुकेशन। तो मेरी जो इंडस्ट्री है वो एजुकेशन में इंडस्ट्री है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिल्ली की जो लोकेशन है वो डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पोस्टल एड्रेस डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट योर कंट्री और रीजन, तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज करनी है। यहाँ पे मैं अपनी कंट्री डाल देता हूँ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आई एम अ एजेंसी नॉट अ साइट। तो फिर आपको उसके बाद यहाँ पे इंडिया चूज करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम एन एजेंसी और नॉट अ साइट ऑनर। तो अगर यहाँ पे आप एजेंसी हो तो यहाँ पे एजेंसी पे क्लिक कर सकते हो, बट इससे पता लगेगा फिर कि यहाँ पे आप साइट का ऑनर नहीं हो। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, मैं साइट का ऑनर हूँ। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे कोई भी इशू होगा तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, आपको टिप्स दे देंगे। यस आई वुड लाइक टू रिसीव बिंग वेब मास्टर कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कितने दिन बाद, मतलब इश्यूज को चेक करना चाहते हैं, मंथली वीकली और जो भी मैसेज आपके पास आएगा वो कितने दिन बाद आएगा, मतलब डेली आना चाहिए वीकली आना चाहिए मंथली। तो मैंने यहाँ पे मंथली कर दिया। अगर आपको वीकली करना तो आप वीकली पे ऐसे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे मंथली कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट प्रीफ्रेंस जो क्रॉल होगा, साइट मैप होगा, इंडेक्स होगा और ये मालवेयर जो भी इतने ये हैं, इनसे रिलेटेड जो है, मतलब मैसेजेस आपके पास आएंगे, मेल आपके पास आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, बट इससे पहले आप यहाँ पे एक कॉलम रह गया था तो उसको यहाँ पे आप पहले फिल कर दें। यहाँ पे पृथ्वी पब्लिक स्कूल,
.com sitemap.xml, तो जो भी तुम्हारी साइट है उसके पीछे आप sitemap.xml यूज कर लें और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। देन उसके बाद नीचे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे आता है इसको आप आके सेव करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो था सेव हो गया, इसलिए मेरे को अब यहाँ पे वेरीफाई ऑनरशिप ऑफ आवर पीपी पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है XML साइट ऑन योर वेब सर्वर। तो वेब सर्वर पे यहाँ पे मैं अपनी जो साइट ये है XML फाइल है इसको मैं अपलोड करके भी कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट द मेटा टैग इन योर डिफॉल्ट पेज। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो मेरे को कोड दे रखा है इन्होंने, इस कोड को मेरे को इस तरीके से हेड के नीचे यहाँ पे ऐड करना है, और जैसे ही मैं ऐड करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन उन्होंने दे रखा है यहाँ पे DNS के थ्रू। तो ये दोनों नहीं बताऊँगा मैं आपको, पहला और तीसरा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और ये बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आपको एक तरीके से अपनी वेबसाइट को ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आपको कोड को यहाँ पे कॉपी करना है। अब आपको करना है क्या, आप यहाँ से इसको कोड को कॉपी करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने WordPress के इंटरफेस के अंदर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आके प्रेफरेंस अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद आप हेडर सेक्शन में जाएंगे, जैसे कि उन्होंने वहाँ पे हमें बताया हुआ था कि हेडर में आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो हेडर है वो कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हेडर यहाँ पे है। तो मैं हेडर के यहाँ पे नीचे इस कोड को पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको अपडेट फाइल करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अपडेट फाइल कर देते हैं तो यहाँ पे फाइल अपडेट हो जाती है। उसके बाद आपको फिर वापस यहाँ पे जाना है, और जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है वेरीफाई पे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैंने वेरीफाई पे क्लिक करा है तो वो वेरीफाई हो गया, और जो मेरी साइट थी वो पूरी तरह से यहाँ पे अब वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी साइट को वेरीफाई करा सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको और भी चीज़ अगर करनी है, यहाँ पे अगर अपनी साइट का साइट मैप सबमिट करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी साइट का सबमिट कर सकते हैं साइट मैप, ठीक है। इसके लिए मैं और वीडियोस आपको बना दूंगा जिससे कि आप सारी चीज़ समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको साइट मैप सबमिट करना है इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और डोमेन अथॉरिटी वेरीफाई करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करिए, हमारी टीम आपको पूरा रिप्लाई करेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमें सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो नहीं करा है तो आप जाइए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें फॉलो कीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे हमने लिंक्स दिए हैं, वहाँ से जाके हमें आप हमारे लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारे चैनल में बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस डली हुई हैं, अराउंड 200 वीडियो हैं, तो आप उन सारी वीडियो को जाइए और डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपको किसी पेड कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो। और अगर आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आपको अगर सजेशन चाहिए कोई, या फिर कोई आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप ग्रोज। We'll be right back.